तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रदीप सिंह में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो चालू करने से पहले कि आप इस वीडियो को कृपया करके बहुत पूरा देखिए, और अगर इसमें जो गलतियां हैं मुझसे या फिर आगे जो कमियां मुझसे छूट गई हैं जो मैं सही कर सकता हूँ वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे, जिससे मुझे पता लगे कि मैं इसमें क्या गलतियाँ करता हूँ और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे होंडा CBR 150R के बारे में, जो अभी अभी पेटेंट जो है फाइल किया गया है होंडा की तरफ से इंडिया में। वैसे ये इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है। अगर हम होंडा CBR 150R की बात करें तो ये 2012 में लॉन्च हुई थी और इसे 2017 तक बेचा गया और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि इसकी सेल्स जो है बहुत ही लो हो गई थी। अगर हम होंडा CBR 150R की बात करें तो ये सीधे सीधे राइवल है यामाहा R15 के, जो अभी नई आने वाली है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसमें जो इसका जो डिज़ाइन है अभी जो नई आने वाली CBR है, तो इसका डिज़ाइन जैसे कि CBR 150R में है वैसी थोड़ा थोड़ा सिमिलर डिज़ाइन CBR 500R और CBR 650R में भी आपको देखने को मिल सकता है आगे। लेकिन अगर से LED इसमें हेडलाइट है, LED इसकी टेल लाइट है, जो DRLs हैं वो भी LED में दिए गए हैं, तो ज़्यादातर जो लाइट्स हैं इसकी वो सारी की सारी LED हैं। और रियर व्यू मिरर भी है, जो साइड मिरर जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी बहुत ही स्पोर्टी और क्लासिक लगता है देखने में। और साथ ही साथ होंडा का इंजन है तो सोने पे सुहागा। वैसे भी जो CBR के फैन हैं उनका अलग ही चार्म है, और 150 और 250 जो है अपने यहाँ पर इंडिया में बहुत बिकती है और बहुत लोग जो है इसे पसंद करते हैं, और टूरिंग में भी कई लोग इसे पसंद करते हैं। तो अगर हम इसमें कलर की बात करें तो इसमें आपको कलर रेड मिलेगा, जैसे होंडा जो कहता है रेसिंग रेड और विक्ट्री ब्लैक रेड और मैट ब्लैक जो है इसमें, और कैंडी रेड कलर जो है, और मोटो जीपी एडिशन इसमें मिलेगा आपको। अगर हम इसमें इंजन की बात करें तो वैसे तो इंजन इसमें होंडा CBR जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है बिल्कुल सेम इंजन आ सकता है यहाँ पर, और आना भी चाहिए। अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें 149.2 cc का लिक्विड कूल्ड जो इंजन है, जो 17.1 PS की पावर देता है 14.4 Nm टॉर्क के साथ में। अगर हम बात करें यामा R15 की, तो इसमें 155 cc का इंजन है जो 18.4 PS की पावर देता है 14.2 Nm टॉर्क के साथ में। अगर हम पावर टू वेट रोशियो या फिर आपने आप टॉर्क की बात करें तो टॉर्क ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बस जो है पावर जो है थोड़ी सी हल्की सी कम लग सकती है। लेकिन अगर से इसका वेट कंट्रोल में रखा जाए तो ये आराम से जो है यामाहा R15 को टक्कर दे सकती है। तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए और सीट बेल्ट लगाइए अगर कार चलाते हैं तो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।